अब मेनली हम टॉपिक पर आ रहे हैं कि परचेज कैसे करें वो भी बता देंगे, बाय पे क्लिक करना है परचेज आपको वो आ जाएगा, लेकिन क्या परचेज करें पर्टिकुलरली, बहुत सारे इतने सारे स्टॉक क्या परचेज करना होता है, सीएनबीसी से आवाज या बाजार आप रेगुलरली देखो, ज्यादा नहीं आप नॉर्मली भी आप 9:30-10 के आसपास अगर आप आधे घंटे भी देखोगे ना, वो बताते रहते हैं, उनके बैठते हैं पैनलिस्ट बैठते हैं वो बताते रहते हैं, अगर आप बिगनर हो तो थोड़े दिन मेहनत करो, आप आई थिंक आप जॉब वाले हो तो ऑब्वियसली बात 10 बजे तक आपको जॉब पर पहुंचना होता होगा, तो 9:30-10 आई थिंक आप ट्रैवलिंग टाइम में रहते होगे, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही है तो 9:30-10 आपके ट्रैवलिंग टाइम रहते होगे, एंड आई होप कि आपके उसमें फोन में जियो टीवी होगा ही होगा, क्योंकि जियो टीवी आज के टाइम पे क्या है कि आप कहीं वहाँ पे ना चैनल होते हैं, सीएनबीसी आवाज करते हैं और बदल चैनल है जैसे क्लिक करो, या फिर जी बिजनेस की भी चैनल है, ये सारी चीजें वही बंदा कर पाएगा जिसको जो इंटरेस्ट होगा बहुत ज्यादा कि हाँ उसको सच में मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ एक बार की बात नहीं है ये, आप अगर चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ फिल्म ये फिल्मों में होता है कि आपने पैसे 100 रुपए लगाए और वो 2 दिन बाद 10 लाख बन गया, ये फिल्मों में होता है, फिल्मों से अलग निकल जाओ, फिर बोलोगे फिर फायदा क्या हो सर मार्केट में घुसने का, ये तो बात वही होगी रिस्क भी ले रहे हैं और ये तो 2 दिन में पैसे डबल भी नहीं हो रहे, तो बॉस 2 दिन में पैसे कहीं डबल नहीं होते, अगर 2 दिन में कोई प्रॉमिस कर रहा है तो या तो वो चिट फंड वाले हैं बॉस कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, या तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि उनके पास पैसे फेक करेंसी छापने की मशीन है, इसके अलावा 2 दिन में पैसे तो आई डोंट थिंक कोई जादूगर भी कर सकता है। स्टार्टिंग ऑफ आई थिंक वी शुड, अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट वे, बिकॉज उसमें इतना झंझट नहीं है, हमें एक ही बार की रिसर्च करनी है, पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको छोड़ देना है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, और तेरा नॉलेज भी हो जाएगी इसी द्वारा चीजों की, डिलीवरी का मैंने बता दिया कि अगर शेयर में करना है तो कैसे करना है, ठीक है। सेकंड थिंग म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करना है, जैसे शेयर इन्वेस्ट करना है बहुत वैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है, बोलो म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास पैसे हैं, आपके 4 दोस्तों के पास पैसे हैं, ठीक है, और आप 5ों को पता नहीं है कि भाई पैसे मतलब कि किस शेयर में लगाए, आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो कि क्योंकि आप बिगनर हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा खराब है, आप म्यूचुअल फंड वाला क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे समझ लेते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है कि आज आपको पता नहीं है ऐसा करो कोई बात नहीं, आप मुझे ये पैसा दे दो और आपके बिहाव पे मैं इस पैसे को 5 या इतने कंपनियों में लगाऊंगा, इतने कंपनियों में लगाऊंगा जो कि आपको बेटर बेनिफिट देते हैं, मतलब कि आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जो आपको इक्विटी में करनी थी वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है, इक्विटी में करनी थी बस एक अमाउंट दे दो मैं खुद देख लूंगा, एग्जैक्टली इक्विटी में क्या होता है आपको खुद इन्वेस्ट खुद ही रिसर्च करनी है, न्यूज चैनल देखना है आपको पता करना है, प्रॉफिट का डिफरेंस होगा यहाँ पे, बिल्कुल प्रॉफिट का डिफरेंस होगा यहाँ पे, होगा ना, म्यूचुअल फंड में स्टॉक में डिफरेंस होगा, हर एक में डिफरेंस होगा बॉस, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है स्टॉक इतने ज्यादा है, आपने माना टाटा मोटर्स खरीदा वो 6 महीने में 100 रुपए बढ़ा, पहुंचता है कोई और उसके ऐसे, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको स्टॉक का नाम बताया कौन सा, महाराष्ट्र स्कूटर्स करके स्टॉक था, वो पिछले साल 80 लाख का प्रॉफिट था, आज के एक साल बाद उसका 108 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसका शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ इसका तो महाराष्ट्र स्कूटर के साथ, तो वैसे वो ये नहीं कह सकता कि तुम ये खरीदो यही सबसे ज्यादा बेटर रिटर्न देगा, कोई भी ये नहीं कह सकता ये शेयर सबसे ज्यादा बेस्ट रिटर्न देगा, कोई नहीं कह सकता, बहुत सारे स्टॉक है और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हल्का सा आपका रिसर्च होता है और आपका ना एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना अर्न करना है, देखो हर एक कोई चाहता है कि मैं ना अनलिमिटेड अर्न करूं, आपने मेरे को एक बात बताई थी, मैं रिमेंबर कि लालच की लिमिट सेट होनी चाहिए, आपको पहले ही अपने ना प्रॉफिट आपके दिमाग में चाहिए, आप पता है कि आपने 3,000 रुपए लगाए हैं, तो जैसे ये 3,500 रुपए पहुंचेगा इसका, जैसे कि 100 रुपए का मैंने एक शेयर खरीदा है, तो मैंने पहले ही लगा लिया कि 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है मैंने, तो मैं जैसे ही इस शेयर का रेट 110 या 120 रुपए होगा, 110 120 खरीदा और कुछ टाइम बाद उसका रेट 120 हो गया, अब मैंने पहले सोच रखा था कि मैं हर एक शेयर पे 20 रुपए कमाऊंगा, 20 रुपए जैसे 20 रुपए अर्न हो गए मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो 20 रुपए से इनटू 30 यानी कि 600 रुपए का प्रॉफिट कमा के आप निकल गए, आप जब भी शेयर प्रोक्योर करते हो जब भी शेयर खरीदते हो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि जितना पैसा लगा रहे हो तो वो कितना पैसा पहुंच जाए तो आप वहां से निकल जाओ, अच्छा ये माइंड जरूर रखना कि कितना पैसा पहुंच जाए यानी कितना पैसा मिले तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, वो एक रियलिस्टिक अमाउंट होना चाहिए, यानी कि आपने 100 रुपए लगाया और आप इसको यार जिस दिन 1 लाख रुपए पर शेयर हो जाएगा ना उस दिन मैं शेयर बेच के निकल जाऊंगा, तो सर जी वो ना तो आपके क्योंकि शेयर
100 रुपए का शेयर 1 लाख में तभी पहुंचेगा जब 20 साल 30 साल 50 साल बाद अगर आपका वो स्टॉक अच्छा उतना खास कुछ बना तो लालच नहीं करना है। जिस टाइम में पैसे लगा रहे हो उस टाइम आपका माइंड वेल क्लियर होना चाहिए कि जिस दिन 100 रुपए का शेयर खरीदा जिस दिन 100 रुपए का शेयर 105 या 110 रुपए का हो गया मैं उस दिन बेच के निकल दूंगा आपके माइंड में वो आइडिया होना चाहिए। सेम गोज विद लॉस आल्सो एक लिमिट होनी चाहिए कि हां इतना लॉस बेयर कर सकता हूं। एग्जैक्टली ये हो गई कंप्लीटली शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें। अब आता है म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट में तो खुद से रिसर्च करना है न्यूज चैनल देखने स्टॉक पिकअप करना है फिर इन्वेस्टमेंट करना है। अब आता है म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड कैसे करें। मैंने आपको बताया जैसे कि पांच आप फ्रेंड हो पांचों फ्रेंड मिल क्या करो आपके पास पांचों फ्रेंड के पास पैसे लेकिन पता नहीं किस कौन से स्टॉक खरीदो क्या करते हो कि इस आप मार्केट ने भी इस चीज को समझा कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो आंख मुंदे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है फिर उनको नुकसान हो जाता है फिर वो अपने बच्चों को बताते हैं कि यार शेयर मार्केट में मत जाओ वहां तो नुकसान होता है। तो मार्केट ने इससे समझा ऐसा नहीं कि आपने किसी को पैसे दो आपको डुबा देगा कभी नहीं। म्यूचुअल फंड हमेशा चाहता है कि उसका प्राइस हमेशा बढ़े अच्छा म्यूचुअल फंड में ना ये नहीं होता कि आपको एक म्यूचुअल फंड लेना है दो म्यूचुअल फंड लेना है। म्यूचुअल फंड में आपने डिसाइड किया यार हर महीने ना मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपए या फिर अपनी एक लिमिट होगी आइडल फंड आपने स्टार्ट पहले स्टार्ट में आपने एंटिसिपेट किया होगा कि भाई इतना आइडल फंड है तो आपने सोचा क्या होगा कि भाई 10,000 कमाता है 20,000 कमाता हूँ 3,000 5,000 रुपये 20,000 कमाते हो तो आपने सोचा कि 5,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना है तो 5,000 रुपये आइडल फंड। तो आपने क्या किया आपने इससे किया 5,000 रुपये स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में करेंगे तो हर दिन मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा तो ऐसा करता हूँ म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता हूँ और हर महीने में 5,000 तो म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और अब बोलोगे कि सर कौन सा बेस्ट होगा सेम वही चीज कि हर एक म्यूचुअल फंड वाले ऐसे एक म्यूचुअल फंड पास जाओगे वो आपके 5,000 रुपये पे 100 रुपये कमा के देगा दूसरे म्यूचुअल फंड पे जाओगे 5,000 पे 105 रुपये कमा के देगा तीसरे पे जाओगे वो 5,000 पे 198 रुपये ही कमा के देगा। आपको ये देखना होता है कौन सा म्यूचुअल फंड वाला ज्यादा बेनिफिट आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है ये देखना होता है। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है ठीक है अच्छा म्यूचुअल अब बोलो सर ये पैसा इन्वेस्ट तो कर देंगे निकालेंगे कैसे पैसा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा वो भी बताना है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड वाली चीज। एग्जैक्टली मैं इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को इग्नोर कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड बात नहीं है पहले ये समझ लो कि आप शेयर मार्केट खरीदते हो बेसिकली आप शेयर खरीदते हो डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं आपने आपकी मर्जी होती है कि आपने खरीदा और जब मर्जी हो बेच दिया आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है आप निकल गए आप प्रॉफिट में समझ गए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उसका टाइप क्या है